Hello everyone, now coming to the next topic of this chapter, that is chapter number 4, and the topic is laboratory thermometer. Okay, naam se lag raha hai ki ye thermometer kahan use hota hoga, lab mein. Theek hai, a laboratory thermometer used in laboratory. Theek hai, to ye thermometer kahan use ho raha hai, laboratory mein use hota hai. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैब में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें किसी सॉल्यूशंस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस ये थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ओके ओके, जैसा डेफिनेशन में भी लिखा है, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे मैंने भी बताया आपको, सॉल्यूशन है, कोई हीट किया गया है, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ओके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है ये थर्मोमीटर. ओके, और इसमें जो रीडिंग होती हैं वो -10 से स्टार्ट होती हैं, इट मीन्स -10, फिर 0, फिर 10, 20 एंड सो ऑन, ठीक है, से लेकर ये 110 तक किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करके दे सकता है. ओके, तो इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द रेंज ऑफ लैब थर्मोमीटर इज जनरली फॉर फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. तो -10 से लेकर और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजरमेंट करके दे सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें थर्मोमीटर में मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. ये जो थर्मोमीटर है ये पर्टिकुलर किसी डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजरमेंट करके देता है. ओके, दिस टेम्परेचर रिकॉर्ड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट. हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब ही मीनिंग है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स रीच्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हम नोट डाउन कर सकते हैं इस थर्मोमीटर से. ओके, जैसा कि पिक में दे रखा है या इमेज में दे रखा है, ये थर्मोमीटर के टॉप पर एक छोटा सा होल होता है, उस होल में हम इसको कहीं पर भी वॉल पर इसको टाई कर देते हैं, टांग देते हैं, और पूरे दिन में किसी भी समय पर जाकर किसी भी समय पर हम इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पता चल सकते हैं इस थर्मोमीटर से. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, तो ट्रांसफर ऑफ हीट का मीनिंग क्या है? द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट. मीन्स जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पर या कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट पर, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राई पैन में थोड़ा सा वाटर लेकर उसको गैस फ्लेम पर उसको हीट करें, तो आफ्टर 4 या 5 मिनट्स के बाद वो वाटर हीट होना या गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इट मींस हमने जो फ्लेम से उसको हीट दी थी उस कोल्ड वाटर को या ठंडे पानी को, वो हीट थोड़ी देर बाद 3 या 4 मिनट्स के बाद उस वाटर को हीट कर देती है. ठीक है, इवन वाटर को ही नहीं बल्कि जिस बर्तन में उसको कैप किया गया था उसको भी हीट कर देती है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलेंगे कंडक्शन. ओके, द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोसेस इम्प्लीफाई हुआ कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट पर या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पर भी बोल सकते हैं हम इसमें यहाँ पर. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर हो सके, तो हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर को हीट करने वाला, उसमें एक यूटेंसिल्स लिया था हमने वहाँ पर, तो उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्लेम से, वो पूरा जो यूटेंसिल है हमारा जो जिसमें हमने पानी लिया था फ्राई पैन लिया था वो पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हुई, हीट फ्लो कर गई एक जगह से दूसरी जगह तक उसके
एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। तो ऐसे उसको बोलेंगे हम यहाँ पर कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, आयरन है, तो आपने देखा कई बार यूटेंसिल्स किसके होते हैं, वो जिन्हें हम हीट करने के लिए यूज़ करते हैं वो अक्सर मेटल के होते हैं, क्योंकि मेटल में हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र हो जाती है उसके एंडिंग पार्ट तक, ठीक है। तो कॉपर और आयरन इसके एग्जाम्पल हैं कंडक्टर्स के। तो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। अभी मैंने बताया आपको कंडक्टर जिसमें हीट पास हो जाती है उन्हें बोलते हैं हम कंडक्टर्स, ओके। लेकिन इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें हीट पास नहीं हो पाती है। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ओके। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ओके। जैसे आप, मैंने यूटेंसिल का एग्जाम्पल लिया था, उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वुड के या प्लास्टिक्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हीट पास नहीं हो पाती है, पूरा यूटेंसिल आपका हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बट लेकिन उनके जो हैंडल्स हैं वो ठंडे ही रहते हैं, वो उनमें हीट पास नहीं हो पाती है, वो गर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इंसुलेटर्स, ओके। अभी इस वीडियोज़ में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ, स्टे हेल्थी, ऑल्सो गुड बाय, थैंक यू, बाय।